This meeting is being recorded. आज हमने पढ़ने हैं फवाद तदब्बुर इसमें सबसे पहला फायदा जो कुरान पे तदब्बुर करने का है वो है अल्लाह ताला की मारिफत का हासिल होना इसमें है के जो भी जिससे भी मारफत यानी अल्लाह तला की पहचान का फकदान हो जाता है फ़क़द यानी ख़त्म हो जाता है अल्लाह की मारफत नहीं है फजदीरु तो वो इसके लायक है वो वर्दी है इस चीज़ के, के उसको युत के उसके ऊपर लोग इस चीज़ का इतलाक़ करें उसको ये नाम दें कि वो उम्मी है यानी जिसको अल्लाह की मारफत नहीं है लोग उसको उम्मी का लकब दें और इसके लिए फिर आगे जो है एक स्कॉलर का कॉल आ रहा है वक़ान

कि जो शख्स कुरान को पढ़ता है लेकिन वो उसका मतलब नहीं जानता तवील होता है उसका मीनिंग कि वो उसकी तवील नहीं जानता उसका मीनिंग नहीं जानता फहुआ फी ही उम्मीय तो वो उसके लिए उसमें उम्मी है यानी फी ही में जो ही की तमीर है वो कुरान की तरफ जा रहा जा रही है कि वो कुरान में उम्मी है यानी बिल्कुल जाहिल है इल्म है وليس أحلى من معرفة الله عن طريق تعريف الله بنفسه وفي أعظم كتبه وليس أحلى أحلى هو هي ميتا جسي هم أردو مي حلوة بولتا بو سيم ملتا جلتا هي اس سے اور من معرفة الله کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم حاصل کریں عن طريق الله कि जो तारीफ अल्लाह ताला ने खुद की है बे नफसी ही अपने आप की वफ़ी आगमी अपनी सबसे अजीम किताब में यानी मजीद को ये यह यहाँ पर कह रहे हैं ना कि कुराने मजीद में जिस तरह अल्लाह ताला, ताला ने अपने आप को बयान किया है उससे ज्यादा मीठा वे कोई नहीं हो सकता अल्लाह की मारिफत को पहचानने का अल्लाह तला की मार्फत का जो सबसे बेहतरीन मीन है वो यही है कि हम उस तरीके से अल्लाह को पहचाने जो अल्लाह ने खुद अपने आप को जिस तरह से बयान किया है और इसमें अल्लाह ताला की मार्फत में जैसे जो अल्लाह ताला के तमाम नाम हैं वो शामिल हैं कि अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम हैं उनसे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की जात कैसी है فايه القراني ذاكره بذكر اسماء الله وصفاته وافعاله التي يتعرف من خلالها كل عبد على ربه तो जो कुरान की आयतें हैं जािर होता है भरी हुई हैं फिल हैं बेजिक बेजिक्रस्मा अल्लाह ताला के नामों से उसकी सिफात से और अफ़ाल जो अल्लाह ताला काम करते हैं उनसे अल्लाह ची यारिनखिला है, ये सारी चीज़ों को वो कह रहे हैं जिनसे ये तारफ़ हम जान सकते हैं मिनखिला लिहा इनके तवसत से हर बंदा अपने रब को यानी मजीद में जो नाम सिफात और अल्लाह ताला के ज़िक्र हैं उनसे हम अल्लाह ताला की मारिफत को जान सकते हैं अल्लाह ताला की ज़ात को जान सकते हैं कि अल्लाह ताला कैसे हैं और फिर आगे वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर इबादत हुब का कमाल है यानी मोहब्बत का कमाल है और आ, मा कमाल खुदू, यानी मोहब्बत का कमाल यानी इबादत के अंदर आपके मोहब्बत का कमाल होना चाहिए खुदू के कमाल के साथ यानी खुशु के कमाल के साथ ये दोनों चीजें मलज़ूम हो आपकी एक इबादत के अंदर फ़ैफ़न हिब्बनला नारिफू तो हम मोहब्बत ही कैसे कर सकते हैं जब हम अल्लाह को जानेंगे नहीं तो यहाँ पर वो इसको इंटरलिंक कर रहे हैं कि इबादत के अंदर मोहब्बत और खुदू होनी जरूरी है तो मोहब्बत को हम कैसे अपने अंदर पैदा करेंगे जब हमें अल्लाह की मारिफत नहीं होगी तो मारिफत जो है वो इस पॉइंट में वो इबादत के साथ भी उसको लिंक कर रहे हैं कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं वो हमारी इबादत है जकवात देते हैं हज करते हैं यानी कुरान के अलावा भी तो हम बहुत सारी इबादत करते हैं उनके अंदर जब हम मोहब्बत डालने लगेंगे तो मोहब्बत के लिए मारिफत जरूरी है तो यहाँ फिर ये मार्फत फिर हमारी पूरी लाइफ के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आ जाएगा इसका जहाँ पे भी हम अपने दीनी किसी भी काम को अंजाम देने लगेंगे वकीम मैं अखबर और हम कैसे खुशू इख्तियार कर सकते हैं नख़दा और अलखदु ये दोनों एक ही रूट से हैं कि और हम कैसे खुशु इख्तियार कर सकते हैं और हम और हम नहीं जानते व नहन व नहनूल नम अखबर अभी अन नफ्सी कि हम नहीं जानते इस चीज़ को कि अल्लाह ने अपने बारे में क्या चीज़ हमें ख़बर दी है क्या अल्लाह अपने नफ्स के बारे में हमें इंफॉर्म किया है इन कि इबादत जो है वो मारफ़त से मुतक है मारुफत से उसका रिलेशनशिप है है और मार्फत सुबहान और अल्लाह की जो तारफत है गा इबन अक्य जैसे कि इब्नकयम इस चीज़ को देखते हैं अब ये जो इन्होंने यहाँ पर इन दो लाइन के अंदर एक चीज़ बयान की है तो ये असल में इबन अक्यम की आगे अम, बता रहे हैं डिफिनेशन टाइप बता रहे हैं जो जोरिफतल के हवाले से उन्होंने बयान की है और फिर आगे यहाँ पर इसका रेफरेंस भी है ये जो है ना फोर नंबर इसका जिस भी बुक से इन्होंने लिया है उसका रेफरेंस भी मौजूद है तो इब्न अकयम के नजदीक जो आरिफतुल्ला है वो नवान है दो इसकी अकसाम है नौान होता है तस्निया है नऊ की तस्मिया है किस्म को कहते हैं नव नौ, और नो अक मारिफत वही इश्तरा फीस के अल्लाह ताला के इकरार को यानी अल्लाह ताला को मानना इकरार करना कि अल्लाह ताला है. वही वही इश्तरा फी अन्नास और इसके अंदर तमाम लोग मुश्तरक हैं क्योंकि आप देखें कि कोई मुसलमान है तो भी वो कहता है कि भाई हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है हमें बनाने वाला रब है ठीक है ना तो यहाँ पर अल्लाह ताला के होने का इकरार ये इसमें आप देख लें अक्सरियत लोग शामिल हैं चाहे वो किसी भी रिलिजन से ताल्लुक रखते हैं मुलहिदीन है जो अल्लाह की जात का बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं लेकिन वो बहुत फिलहाल उनकी अगर हम मेजॉरिटी या मिनोरिटी देखी जाए तो वो दीन वाले लोगों यानी जो भी एक शख्स है चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता है उनके मुकाबले में वो फिलहाल कम ही है तो जो भी किसी दीन को मानने वाले लोग हैं वो अल्लाह का होने का इकरार जरूर करते हैं अपने बनाने वाले का नाम डिफरेंट दे देते हैं लेकिन इकरार में वो सब मुश्तरक हैं अलबिर बिर होता है नेक फाजर होता है जो गुनाहगार है फाजर भी असल में जो बड़े गुनाह करने वाला है और आसी भी गुनाहगार को कहते हैं और मुती जो है वो फर्मा को कहते हैं मतलब ये इसमें सारे लोग शामिल होते हैं अल्लाह ताला के इकरार में वानी और जो सेकंड टाइप है अल्लाह की उसमें क्या है कि मारिफतुब तुझुल तूजिबू, हया उमिन दूसरी मारिफत की किस्म में हया जरूरी है वाजिब है या तूजिब जो है वो वाजिब से है तो हया जो है वो ज़रूरी है कि जब हम कोई भी अपने अपना अमल करने लगते हैं तो उसमें हमें हया हो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है तो फिर हम कॉन्शस हों कि हम अच्छे काम करें और बुरे कामों से अपने आप को रोकें यानी टू जिबुल हया ये अल्लाह ताला से हया जो है वो इसका मतलब है वो लहू और अल्लाह मोहब्बत करना वह चलबो भी होता है लटका रहना यानी अल्लाह ताला की तरफ हमारा दिल हर टाइम जो है वो मुतवजे रहे उसकी तरफ ख्याल रहे इस तरह से वह शवकॉ ही और जो शौक है ये शौक उर्दू वाला ही शौक है कि शौक होना अल्लाह ताला की ला का अल्लाह ताला की मुलाकात का वशियत ही और उसकी उसका खौफ दिल में होना व इना बचो ही और उसकी तरफ रुझू करना जैसे आप जब गुनाह करते हैं फिर अल्लाह ताला से तौबा तो इस्तगफार करते हैं तो ये होता है इनाबा इल्ला कि अल्लाह की तरफ हम फिर रुजू कर रहे हैं वल अनसु बिही अनस भी जो है वो मोहब्बत को कहते हैं अम वल नौअ अल ثاني मिन अल मारिफत अब तदबुरी व फहम आया अब ये जो सानी है इबिन ने इसके लिए ज़रूरी है ये मारिफत हमें नहीं आ सकती बिक तदबुरी मगर ये कि हम तदबुर करें गौर फिक्र करें ताला की किताब में और उसकी आयत की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे पास हो ये दो चीजें हैं जिनसे हम अल्लाह ताला की मारिफत को बढ़ा सकते हैं जो कि नवूसानी में आती है वो में अجمل الكلامو كلام ابن القيم عن هذا الكنزى और कितना ही खूबसूरत कलाम है इब्नुल क़ियम का इस ट्रेजर के बारे में इस खज़ाने के बारे में कंज जो है वो खजाने को बोलते हैं और यहाँ पर ये यह जो हादल कंज में ये कंज कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं कन्ज? मारिफत अल्लाह कि अल्लाह ताला की मारिफत को यहाँ पर वो ट्रैर कह रहे हैं क्योंकि ये जो दो लाइनें हैं ना ये राइटर की अपनी है ये यह यहाँ तक अः इबन की बात खत्म हो गई अब वो एक और कॉल लेकर आ रहे हैं अब्बास अबुल अब्बास का यहाँ पर कॉल लेके आ रहे हैं Uh, मारफतुल्लाह से रिलेटेड के मारफतुल्लाह ही जला नूरुहा कुल्ला गुलमतिन के जो अल्लाह uh, uh, ताला की मारिफत है ये जला होता है रोशन हो जाना uh, के जला नूरुहा के इस मारिफत का जो नूर है वो रोशन कर दिया उसने uh, कुल्ला गुलमतिन हर अंधेरे को यानी अल्लाह ताला की मारिफत हमें हर अंधेरे से रोशनी के हर अंधेरे के अंदर हमारे लिए रोशनी बना देता है जैसे हम कमरा एक हमारा कमरा डार्क होता है बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा होता है तो उसमें हम लाइट जलाते हैं तो हमारी हमारा कमरा रोशन होता है इसी तरह जब आप एक जगह के ऊपर हैं और आपको बिल्कुल अंधेरा है वहां पर तो वहां पर जो लाइट का, का काम है वो मारिफतल्ला का है यानी अल्लाह की मारिफत होने से आपको अः यानी या अब मानवी तौर पर है जाहिर है जो यहाँ पर जुलवात है, ये जो अंधेरे हैं ये यह यहाँ मानवी तौर पे है कि उस चीज में बातल में आपको हक नजर आने शुरू हो जाता है बातल और हक का बिल्कुल डिफरेंस पता लगने चल शुरू हो जाता है अल्लाह ताला की मार्फत से अच्छा व कशफ सरू रिहा खुलाफ होता है खुल जाना डिस्लोज हो जाना और सुरूर होते हैं खुशी प्लेजर और गम होते हैं ये भी अंधेरे की तरह होते हैं तो खुल जाती है हर तरह की प्लेजर ग्मा मेरा ख्याल है हाँ गमाम बादलों को कहते हैं तो यानी ये चीजें छट जाती हैं आपके अंदर से जब आपके अंदर मारिफत होती है आ, कलाम हसन अब यहाँ पर भी वो इस कलाम को क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स के बीच में है ये अब्बास का कॉल है अः वाला बुद्ध और जिसने भी अल्लाह को जान लिया अहब्बाह उसने अल्लाह से मोहब्बत की वबुद और ये बहुत ही ज़रूरी है वलाबुद्दा अरबी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है कि यह बहुत ही नेसेसरी चीज़ है जैसे हम कोई कोई चीज़ कोई चीज़, को चीज़ को कहें तो हम कहें वला वुद्दा मिनहू यानी इसके अलावा ये मुमकिन ही नहीं है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के लिए हम जो है इस तरह से ये उसलूब इस्तेमाल करते हैं वला वलाबुद्दा का वमिन अहब्बी वमन अहब्बाह और जिसने भी मोहब्बत की अल्लाह से इन सहा तो उसके ऊपर से छठ जाते हैं के बादल, यानी अंधेरों के बादल जिसको जिसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की कि पहले आप ऊर्फ करते हैं अल्लाह ताला को पहचानते हैं तो फिर आपको अल्लाह से मोहब्बत होती है जब फिर मुहबत होती है तो फिर आपके ऊपर से अंधेरों के बादल जो है वो खत्म हो जाते हैं ये वही जो ऊपर अबुल अब्बास की बात है उसी को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वन कशफत और इसका भी ये कशफत से ही है ये जो ऊपर पर ये कशफ आया है ना तो ये इनका रूट वर्ड एक ही है तो इन कशफत यानी खुल जाते हैं एक्सपोज हो जाते हैं अन कि आपके दिल से खत्म हो जाते हैं गम परेशानियाँ और जो दुख और जो ये सब चीजें हैं दुनियावी तौर पर हमें परेशान करती हैं ये सब चीजें आपके दिल से खत्म हो जाती है अः वह बिसफरा और आमर होता है कि आशा यानी लिव के दिल जो है वो फिर गुजारता है सुरूर और अफराह यानी खुशी सुरू और खुशी दोनों का एक ही मतलब है कि वो खुशी के साथ अपनी लाइफ गुजार रहा है जो दिल है तो ज़ाहिर दिल के साथ फिर इंसान भी उसी के साथ मुंसलिक है क्योंकि जैसा हमारे दिल की जैसे हमारे दिल का मूड होता है वैसे ही हम भी अः महसूस कर रहे होते हैं वह अकबलत वहानी वालबशा अर मिनकुल जानब और उसकी तरह Earth... उसकी तरफ आते हैं फूड होते हैं जिस तरह एक ग्रुप होता है ना उसको आप फूड कहते हैं तो यहाँ पर ये मानवी तौर पर है कि उसको हर तरफ से तहानी होती हैं कॉन्ग्रेचुलेशन होती हैं ग्रीटिंग्स होती हैं ये उसको हर तरफ से मिल रही होती हैं बशायर होती हैं खुशखबरियाँ तो हर तरफ से उसको अच्छी अच्छी ग्रीटिंग्स बशा खुशखबरी ये हर तरफ से उसको मिल रही होती हैं فانه لا حزن مع الله ابدا كي الله كي حزن نہیں ابدا ہوتا ہے يعني لا حزن غم مع الله الله ابدا كبيبي ولهذا قال تعالى حكايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لصاحبه ابي بكر رضي الله عنه كي يهي جو الله تعالى نے आ, आ, ल, हाँ यहाँ पर जिस तरह ये कुराने मजीद की बात है ना तो इसलिए ताला की बात हो रही है कि हकायतान नबी ही अपने नबी की जो वो हकायत बयान कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में जो भी बात है वो अल्लाह ताला के थ्रू होती है तो इसलिए जो अल्लाह ताला ने एक हिकायत हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अबू बकर रदी अल्लाह अनहु की कुरान मजीद में सुनाई तो उसमें क्या एक बात थी कि ला तहसन इन्नल्लाह माअना इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदी अल्लाह अनहु को कह रहे हैं कि तुम गम नहीं करो बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ हैं

इस तरह से बात की जाती है कि जिसके साथ अल्लाह ताला है तो उसका और परेशानी का क्या मेल मिला इस तरह से जो है इसको हम कह सकते हैं व फाचा और बेशक जो परेशानी है जो गम है वो उसके लिए है जिससे अल्लाह ताला तुम हो जाता है फाचा हुल, यानी अल्लाह ताला उसको नहीं मिला जिसके पास अल्लाह नहीं है उसके पास परेशानियाँ हैं फैमन हसलो अल्लाह तिल जाए तो उसके लिए फिर कौन सी दूसरी बात रह जाती है जिससे अल्लाह फोत हो जाए यानी अः गुम जाए यहाँ पर वो उर्दू वाला फोत नहीं है फातः होता है कि कोई चीज आपसे गुम जाती है आपको मिलती नहीं है तो ये जो है वो फातहल जिससे अल्लाह ताला नहीं मिला उससे गुम हो गया अल्लाह ताला क्योंकि अल्लाह ताला कायनात में तो है जिस तरह अल्लाह ताला का जो मकाम है वो सात आसमानों के ऊपर है अल्लाह ताला तो है लेकिन उस शख्स के पास नहीं है उस शख्स को मार्फत नहीं है उस शख्स को अल्लाह ताला के बारे में नॉलेज नहीं है तो उससे अल्लाह ताला गुमे हुए हैं तो ऐसे शख्स का फबी फबीआई श्रा है तो ऐसा शख्स फिर किस चीज़ के ऊपर खुशी मनाए यानी उसके पास तो खुशी मनाने के लिए कोई चीज ही नहीं है और जैसे ऊपर इन्होंने कहा फिन मलहुजन कि उसके पास तो सिर्फ गम और परेशानियां ही हैं ये मारिफतुल्ला पहला जो है वो फवाद तदब्बर के हवाले से हमारे पास हो गया सेकंड है सानियन नंबर टू हब्बुल जन्नत व खौफुन्नार के जन्नत की मोहब्बत और जो आग है आग जो है वो जहन्नम के लिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि जहन्नम के कुरान में बहुत सारे नाम इस्तेमाल हुए हैं तो अन्नार जो है वो जहन्नम के नामों में से है कि जहन्नम का खौफ इन आयत अल्लाह इन आयत अल कुरान ही यल्ति गरसत फी कुलूब सहाबा जिक्र अल जन्नत व अन्नार <coughs> कि बेशक जो कुरान की आयतें हैं ये गरसत होता है <coughs> कि इम्प्लांट हो गई हैं अंदर आ, मतलब उन्होंने जड़ें मज़बूत कर ली हैं कुरान की जो आयतें हैं फी खुलूब सहाबा सहाबा के दिलों के अंदर जिक्रजन्नतार और उसके अंदर जो भी कुरान की आयतों में जो भी जिक्र आता है जन्नत का और जहन्नुम का अन्ना हम और युलाइनी और ये बिल्कुल ऐसे है ये जो कान्ना है ना ये तशबी के लिए इस्तेमाल होता है जैसा कि ओके जैसे वो अपनी आंखों से देख रहे हैं समतलت قلوبهم شوقا الى الجنه وخوفا من النار तो उनके दिल भर गए जन्नत के शौक की तरफ और जहन्नम के खौफ से यानी उनके दिलों के अंदर जन्नत का खौफ बढ़ना शुरू हो गया जब उन्होंने कुरान की आयतें सीखी और समझी और आ, आ, उनके दिलों के अंदर जहन्नम का खौफ आ गया वर जाफ हुमां अमल, और जो उनके दिलों के अंदर उम्मीद और खौफ ये जो कुरान की आयतों से ही उनको ये सब चीज़ें मिली कि उम्मीद भी अल्लाह ताला की ज़ात से और फिर खौफ भी हम जाद अल्कलबिलाल इन दोनों चीज़ों ने क्या किया कि उनको उनके दिल को अमल की तरफ ज़्यादा बढ़ा दिया वक्त शरात उमुलम इशारदी और इसमें जो है वो तशरीह की है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है दौरान जैसे कि वो एक्सप्लेन कर रही थी इस पीरियड को दौर जो है वो पीरियड को बोलते हैं टाइम पीरियड जो है कि जो कुरान ने सहाबा की साइकोलॉजी uh, नफ्सिया को बिल्ड किया सहबा कराम रबी की और फ़ीमायार्लक़ी जन्नत वनार के जो के रिलेटेड था सवाब से जो आपको अच्छा अजर मिल रहा है वालक़ाब जो आपको सजा मिल रही है जन्नत और नार यानी जन्नत और जहन्नम के हवाले से जो सहाबा की नफसिया बिल्ड हो रही थी साइकोलॉजी बिल्ड हो रही थी उसके हवाले से हजरत आयशा क्या कहती हैं फ़कौलत इजला अवलुमा नजला कुरआन के कुरान मजीद में जो भी नाजल हुआ सबसे पहले नज़ला नाजिल हुआ अव्वल सबसे पहले मा नजला जो भी नाजल हुआ मिनहू उसमें से यानी कुरान में से अब ये हु को यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इससे मुराद जो है वो इस तमीर से मुराद कुरआन है मिनल मुफसली एक तफसील के साथ एक सूरत फीहुल जन्नत उसके अंदर जन्नत और आग का जिक्र था यानी जन्नत और जहन्नम का जिक्र था ये जो पहली पहली सूरतें नाजिल हुई हैं इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहली आयत नाजिल हुई उसी के अंदर ये सब बातें थी इन जो अल्लाह ताला का एक तरीक़ाकार था कुरान को नाजिल करने का क्योंकि हम ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो कुरान की नजूली तरतीब है वो इस तरतीब से बड़ी डिफरेंट है जो आज कुरान हमारे पास में मौजूद है एक कंपाइल्ड शेप में तो नाजिल कुरान की जो आयत हैं वो एक डिफरेंट पैटर्न से हुई हैं तो उस पैटर्न में अल्लाह ताला ने पहले जो चीजें बयान की ज्यादा उसमें जन्नत और जहन्नम की बहुत सारी बातें आती थी हत्ता हती सा इस्लाम यहाँ तक कि जब लोग दाखिल होने शुरू हो गए इस्लाम में साबा जो होता है वो आप फुर्ती से एक कोई काम करते हो ना बड़े एक्टिव होकर उसके लिए कहा जाता है साबा तो जब लोग बहुत ज्यादा इस्लाम के अंदर शामिल होना शुरू हो गए तो उसके बाद वाल-हराम फिर हलाल और हराम की जो बातें हैं वो नाजिल होने शुरू हुई इसमें जो मक्की दौर था उसके अंदर अहकाम हम देखें तो नहीं नाजिल हुए ज्यादातर जन्नत जहन्नम की बातें हुई और जिस तरह जो असुल अंबिया हैं उनमें से कुछ चीजें नाजिल होगी इस तरह करके कुरान जो है वो मक्का के दौर में नाजिल हुआ जो मदीन मदीना वाले आ, मदीना के दौर में जो कुरान नाजिल हुआ उसमें ज्यादा अहकाम की बात हमें मिलती है और हजरत क्या कहती है कि अगर नाजिल होती सबसे पहली चीज ला तशरबलरा के तुम शराब मत पियो लो अलबत्त ये जो लोग हैं यानी जो सहाबा कराम है ये कहते लमर अबदन के हम कभी भी शराब नहीं छोड़ेंगे वालाउ नज़ला और अगर नाजिल होता तजनु कि तुम जना ना करो ल कौलू अलबत्त वह सब कहते लानदना लानदना बबदन कि हम कभी भी जना नहीं छोड़ेंगे यानी ये हज़रत आयशा इस चीज़ को ये बयान करिए हैं कि जो जन्नत की मोहब्बत और जहन्नम का खौफ है ये अल्लाह तहले स में बिल्ड किया जिससे उनके लिए अमल आसान हो गया जब ये चीजें अल्लाह ताला ने बिल्ड कर दीं ये थॉट्स और ये अकायद उनके पुख्ता हो गए सहाबा के फिर उसके बाद जो भी चीज़ उनको हलाल और हराम में मिली तो वो उन्होंने फौरन से उसके ऊपर अमल किया लेकिन अगर पहले ही अहकाम नाजिल हो जाते तो फिर सहाबा के लिए जो है वो अमल करना मुश्किल होता फिर इसके बाद है भी मशाहिद वैतरादिलजन्नार और जो कुरान की आयतें हैं ख़िर इससे पहले भी गुजरा कि फुल हुई हुई हैं भरी हुई हैं जिसके अंदर जन्नत और जहन्नम के मशाहिद हैं यानी मशाहिद होते हैं देखने की चीज़ जो होती है ना तो ऐसे अल्लाह तन्नत की बहुत सारी बातें हमें बयान की हैं फिर जहन्नम की भी उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जन्नत के अंदर क्या कैसे कैसे चीजें हैं और जहन्नम में क्या क्या यानी उसको ज्यादा एलिशन के साथ तो वो मशाहिद होता है ना जब आप कोई एक सीन देख रहे होते हो तो इस तरह से जो सीन्स है वो जन्नत और जहन्नम के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह जगह जगह के ऊपर उनको बयान किया है वामा फी हिमा व अहवालन और जो भी इसके अंदर लज्जत होती है जो आपको चीज सरूर देती है मजा देती है वो और अहवाल होते हैं जो आपको डरातने वाली चीजें होती है तो अहवाल जो है वो जहन्नम के हवाले से अल्लाह तला ने बयान किया और लज्जात जो है वो जन्नत के हवाले से अल्लाह तय किए वो चार दो सिफाती अहली और अल्लाह तिर बयान की जो सिफात हैं यानी क्या क्या क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से जन्नत में या जहन्नम में जाया जाता है सिफात उसको बोलते हैं क्वालिटीज़ को और है उसके रहने रहने वाले यानी जन्नत के रहने वालों की क्या सिफात है और जहन्नम के रहने वालों की क्या सिफात है और कौन कौन से आमाल हैं जिनसे आप जन्नत या जहन्नम के अंदर जा सकते हैं तो यानी इन सब चीजों को बयान किया अल्लाह तक आया कि वो معين للمؤمن على لين قلبه على لين قلبه وتزكيه روحه اوكي okay. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو تدبر ہے یعنی يعني جو غور و فکر ہے قران کی آیات کے اندر وہ بہت ہی خير المعين بھلائی والی چیز ہے جو کہ ہیلپ فل ہے معين ہیلپ فل ईमान वाले बंदे के लिए आला क़ौल ही वो उसको किस चीज के अंदर हेल्प करिए ईमान वाले बंदे को मोमिन बंदे को किस चीज में हेल्प करती हैं ये आयत का गौर वरम होलबी ही रूही ही और उसका जो तज़किया है रूह का वो हो आ, आ, वम, क्योंकि ये आला आया हुआ है तो वह इसका मतलब ये है कि वो मुजह होता है कि आप आमना सामना कर सको मौजा जो हम उर्दू में मौज कहते हैं आ, ये जो समर की लहरें होती हैं मादिया मटीरियल तागिया बाकी हदूद कोई नहीं है आ, बागी जैसा हम कहते हैं ना और अलमुत होता है अंदर घुसी हुई आज के दिन इलाकुलुबुल जमी सबके दिलों के अंदर तो यानी आप ऐसी अब यहां पर ये फायदा बताया जा रहा है पहला फायदा जो ईमान वाले को सॉरी फायदा नहीं ये है मतलब हेल्प करती हैं जो कुरान की आयतें हैं ना वो ईमान वाले को कैसे हेल्प करी हैं सबसे पहले तो वो दिल को नरम करी हैं फिर उसके रूह का तस्किया करिए तीसरे नंबर पे क्या कि वो ये आयत हमें हेल्प देती हैं इस चीज के अंदर कि हम फेस कर सकें जो मटेरियलिस्टिक किस्म की दुनिया बन चुकी है और वो बहुत तागिया हो गई है जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है वो बहुत फैलती जा रही है उसकी लिमिट कोई नहीं है हर आए दिन आप देखें कि हमारी जरूरियात के अंदर आप आशाइशें और लग्जरीज को देखें तो फिर तो उनकी बहुत ही बड़ी लिस्ट बन जाती है लेकिन जरूरियात के अंदर भी जो हमारी मादी ये दुनिया है इसके अंदर आय रोज इजाफा होता जा रहा है और ये कैसी है कि आज ये हर बंदे के दिल के अंदर जो है वो घर करती जा रही हैं घुसती जा रही हैं तो इन सब चीज़ों को हम कैसे इनका मुआजहा करें कैसे इनको फेस करें इसके लिए हमें कुरान की आयतें हेल्प करती हैं यंतभी है, यंतभी है, यंतभी है, अगर ईमान वाला इनकी तरफ इंतबाह नहीं करेगा अटेंशन नहीं देगा लहतलत कुलूब। तो उसके जो दिल है उसको वो गुलाम कर लेंगी यानी उसके दिल के ऊपर कब्जा कर लेंगी। hmm. Okay. उसके दिल के ऊपर कब्जा कर लेंगी वह अक अब अमाम अनवारी और फिर जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे अः हम्म दरवाजे बंद हो जाएंगे जो अल्लाह ताला की वही है उसके सामने यानी अगर इंसान अगर एक मोमिन इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देता है तो फिर उसका दिल कब्जे में आ जाता है और उसके दिल के जो सारे दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे वही के सामने यानी उसकी जो वही है वो फिर अनवार वो जो नूर है वही का वो अंदर नहीं आ सकता वफिल और वो गर्क हो जाएगा गर्क होता है ना जिस तरह पानी के अंदर आप एक बंदे को देखें उसको स्विमिंग नहीं आती तो वो कैसे गर्क होता है बिल्कुल यही चीज है कि वो गर्क हो जाता है अंधेरों के अंदर यहाँ पर पानी में वो नहीं गर्क हो रहा बल्कि वो अंधेरों के अंदर इसी तरह गर्क हो रहा है कि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं ने क्या एक्ट करना है किस तरीके से चलना है वह असरफा फिर बोला असरफा जैसे हम इसराफ का वर्ड यूज करते हैं दोनों एक ही उससे है आ, रूट तो वो बहुत ज्यादा इसराफ हो जाएगा यानी बहुत ज्यादा उसकी ज्यादती हो जाएगी गुमराही के अंदर मतलब वो थोड़ा सा गुमराह नहीं है यहाँ पर इसराफ व अश्राफा बहुत ज्यादा गुमराह हो जाएगा कउल मुहम्मद इकबाल अब यहाँ पर वो एक शेर के जरिए जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन हैं जो जो हम छोड़ देंगे और बस यहाँ तक हम रखते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसका जो थर्ड हमारे पास है कुरान के हवाले से ये जो फवाद है, तदब्बर हैं तदब्बर के फ़ायदे इसमें हम तीसरा वाला इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे सुबह हमदीका नशदुल्ल अल्लां अल्लामक वरमि वर्का